ये लोग हैं और रात के इस वक्त 2:30 बजे चोरी से ये यहाँ पे कोई इंटरनेट के केबल काट रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, जबकि इनकी मीटिंग जो है वो मीडिया पे मौजूद है, कोई नेट का जो बड़ा है उससे हो चुकी है, उसके बावजूद ये स्टाफ लगा हुआ है। ये इनकी शिकले देख लें। बहरहाल मैं इसलिए चला रहा हूँ कि ये केबल वालों को पता चले ये KSC वैसी एक चोर इदारा है। पीछे गाड़ी है, बात सुने, पीछे गाड़ी है, केबल वालों को बता, ये KSC एक चोर इदारा है वैसे भी, जिसके बारे में है कि नवाज शरीफ ने 20 करोड़ डॉलर लेके इसको बेचा था। अपराज का पूरा सिस्टम आज भी मीडिया में मौजूद है। KSC से कराची का हर शहरी तंग है। बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए KSC के जिम्मेदार लगे हुए रात के 2 बजे 2:30 बजे ना, और ये काट रहे हैं केबल इंटरनेट के और अलहादी इनको TV केबल के ना, और जबकि ये लीगली इनका कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसा लेटर है, बस ये लगे पड़े और ये काट काट के चले जाएंगे। सुबह ये चोरी से काम कर रहे हैं, काम करने दिन में आए, दिन में काम करें, अलग ऐलान काटे, ये रात के चोरी चोर। ये देखिए लाइटें बंद कर दी इन्होंने, ये देखिए लाइटें भी बंद कर दी उसकी, ये डाके पड़ेंगे, इनकी मेहरबानी, ये डाकू, ये कराची में जो डाके पड़ रहे हैं KSC की भी मेहरबानी है इसके अंदर ना, लेट नाइट ये लाइट काट दी इन्होंने, अभी बंद ये चोर है KSC का अमला। और ये जितनी मेरी गुजारिश है कि जितनी चोरियां यहाँ हो रही हैं डाके पड़ रहे हैं उसमें KSC भी बराबर की हिस्सेदार है, इसमें KSC भी बराबर की हिस्सेदार है। जब अंधेरा होता है तो डाकू लूट के मेरा मोबाइल भी ले जाता है, मेरे पैसे भी ले जाता है ना, तो ये डाकुओं को प्रमोट कर रहे हैं, गैर मकामी डाकुओं का जो मामला चल रहा है ये भी तमाम वो लोग हैं और ये इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों के इल्म में आ जाए। थैंक यू।